हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मंजू सुथार, लेक्चरार, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग, गवर्नमेंट वुमन पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। बच्चों, आज हम DGC CD208 के टॉपिक बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक का अध्ययन करेंगे। बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक का उपयोग हमारे अपर गारमेंट की ड्राफ्टिंग के अंदर किया जाता है। बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक की हेल्प से हम डिज़ाइनर अपर गारमेंट्स की ड्राफ्टिंग और पैटर्न मेकिंग इजीली कर सकते हैं। बेसिक बॉडी ब्लॉक बनाने के लिए हमें जो जो मेज़रमेंट चाहिए वो है बस्ट, वेस्ट, नॉर्मल वेस्ट लेंथ, अक्रॉस बैक, बस्ट पॉइंट हाइट, बस्ट पॉइंट विड्थ। हमने हमारे मेज़रमेंट्स इंचेस के अंदर लिए हैं। हम अपने मेज़रमेंट्स इंचेस और सेंटीमीटर दोनों में ले सकते हैं, बट लेडीज़ गारमेंट बनाने के लिए मोस्टली इंचेस के मेज़रमेंट्स को ही प्रेफर किया जाता है। हमारा बस्ट का मेज़रमेंट यहाँ पर है 32 इंच, वेस्ट है 24 इंच, नॉर्मल वेस्ट लेंथ जिसे हम वेस्ट लेंथ के नाम से भी जानते हैं वो है 15 इंच, अक्रॉस बैक का मेज़रमेंट है 14 इंच, बस्ट पॉइंट की हाइट है 9 इंच और बस्ट पॉइंट की विड्थ है 7 इंच। ड्राफ्टिंग के लिए हमने 1:6 इंचेस स्केल का यूज़ किया है। तो आइए बच्चों, ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। ड्राफ्टिंग के लिए सब हमने इस तरफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं और दूसरी तरफ हमने ड्राफ्ट बनाया है, तो हम इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही ड्राफ्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम एक स्क्वायर बनाएंगे और उस स्क्वायर के अंदर बॉडीज़ ब्लॉक के फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की ड्राफ्टिंग की जाएगी, यानी हमारे दोनों साइड्स हैं वो ऑन फोल्ड में रहेंगे। एक साइड है वो सेंटर फ्रंट लाइन को शो करेगा और दूसरा है वो सेंटर बैक की लाइन को शो करेगा। तो बच्चों आइए बेसिक बॉडी ब्लॉक की ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 0 to 1 हम ये देखिए ये हमारा पॉइंट है 0 और ये है पॉइंट नंबर 1। तो 0 to 1 हमें जो लेना है वो हमारी नॉर्मल वेस्ट लेंथ यानी कि 15 इंच लेना है। तो 0 से 1 तक हम 15 इंच की लाइन खींचेंगे। उसके बाद 0 से 2 हमें लेना है वो है हाफ बस्ट। बस्ट का हमारा मेज़रमेंट है 32 इंच, तो 0 से 2 हमारा हो जाएगा 16 इंच। इसके बाद में 2 to 3 है वो 0 से 1 के बराबर होगा और इसी प्रकार 1 to 3 जो है वो 0 से 2 के बराबर होगा। इस प्रकार एक स्क्वायर का निर्माण होगा। अब हम लेते हैं पॉइंट 0 to 4 जो हमारा पॉइंट था। इस पॉइंट 0 से हम एक पॉइंट लेंगे जिसे हम देंगे पॉइंट नंबर 4। 0 to 4 हमारा है 1/4 बस्ट माइनस 3/4 इंच। 1/4 बस्ट हो जाएगा 8 इंच और 8 में से जब हम 3/4 इंच कम करेंगे तो 7/1/4 इंच का ये हमारा मेज़रमेंट यहाँ आएगा। अब हम 4 से 5 एक सीधी लाइन मिला देंगे जो कि हमारी लाइन 0 से 2 के पैरेलल होगी, 4 to 5। अब जो हमारी ये 4 to 5 है इसका हम मिडिल पॉइंट निकालेंगे। 4 to 5 की लेंथ हमारी है 16 इंच और मिडिल पॉइंट आएगा 8 पर और इस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट नंबर 6। तो इस प्रकार हमने एक स्क्वायर बना लिया है, ठीक है। अब ये जो हमारा पॉइंट नंबर 6 है इसको जब हम स्क्वायर डाउन करेंगे यानी बॉटम लाइन तक जब इसको लेके आएंगे तो यहाँ हमें जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट नंबर 7। अब इस स्क्वायर के अंदर हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करना शुरू करते हैं। फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम 0 to 8 एक पॉइंट लेंगे। हमारा पॉइंट 0 है, इससे हाफ अक्रॉस बैक हमारा होगा 7 इंच। तो 0 से 7 इंच की डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेंगे और उसे हम पॉइंट नंबर 8 नाम देंगे। अब हम 0 से 10 की तरफ एक पॉइंट लेंगे जो होगा हमारा 1/12 बस्ट के बराबर। 0 to 10 1/12 बस्ट के बराबर। इसी प्रकार 0 से 11 भी हमारा
1/12 बस्ट के बराबर होगा। तो हमने जब 0 से 8 एक पॉइंट लिया था तो वो हमारी शोल्डर लाइन थी, और 0 से 10 और 0 से 11 ये दो पॉइंट हमारी नेक लाइन को फॉर्म करेंगे। तो 10 से 11 को हम नेक लाइन की, फ्रंट नेक लाइन की फॉर्म में ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारी नेक लाइन बन गई। अब हम हमारा जो पॉइंट नंबर 8 था उससे आधा इंच नीचे शोल्डर स्लोप बनाएंगे, आधा इंच नीचे एक पॉइंट लेंगे पॉइंट नंबर 12, और जब हम पॉइंट नंबर 12 को पॉइंट नंबर 10 से मिला देंगे तो आधा इंच का शोल्डर स्लोप क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो 13 जो है, देखिए जो हमारा पॉइंट नंबर 8 जो हमने लिया था, ये देखिए जो हमने 0 से 8 पॉइंट लिया था हाफ अक्रॉस बैक, इस पॉइंट नंबर 8 को हम चेस्ट लाइन पर लेकर आएंगे, सीधी रेखा से मिलाएंगे तो हमें एक पॉइंट नंबर 9 मिलेगा। ठीक है, तो अब ये पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 12 जो है इनका मिडिल पॉइंट है पॉइंट नंबर 13, और जब पॉइंट नंबर 13 को हम आधा इंच अंदर की तरफ लेके जाते हैं तो हमें मिलता है पॉइंट नंबर 14। ठीक है, तो अब आर्म होल, फ्रंट आर्म होल बनाने के लिए 12, 14 और 6 को हम मिला देंगे कर्व शेप के अंदर, तो इस प्रकार से हमारा फ्रंट आर्म होल क्रिएट हो जाएगा। अब हम आते हैं वेस्ट पार्ट की तरफ। वेस्ट पार्ट में हम जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है वहाँ से पॉइंट एक पॉइंट लेंगे 15, इसकी डिस्टेंस जो होगी वो होगी 1/4 वेस्ट प्लस 1.5 इंच। ये देखिए 1 से 15 हमने एक पॉइंट लिया है, 1 से 15, और डिस्टेंस हमने रखी है 1/4 वेस्ट प्लस 1.5 इंच। तो 1/4 वेस्ट के साथ ये जो हमने प्लस 1.5 इंच लिया है ये हमने डार्ट की विड्थ ली है। ठीक है, हमारी डार्ट विड्थ होगी 1.5 इंच। अब हम पॉइंट नंबर 1 से हाफ इंच नीचे की तरफ एक पॉइंट बनाएंगे 1 to 16 जो हाफ इंच की डिस्टेंस पर है, और पॉइंट नंबर 16 को हम पॉइंट नंबर 15 से मिला देंगे। तो इस तरह से हम फ्रंट की जो लेंथ है उसको हम हाफ इंच बढ़ा रहे हैं। अब हम आते हैं वापस से हमारे पॉइंट नंबर 0 पे। देखिए हमने इसका फ्रंट पार्ट का हमने शोल्डर स्लोप, फ्रंट नेक लाइन, फ्रंट आर्म होल और वेस्ट लाइन बना लिए। अब हम आते हैं डार्ट की मार्किंग पर। डार्ट की मार्किंग करने के लिए हम पॉइंट नंबर 0 से पॉइंट नंबर 17 तक आएंगे, और ये इसकी जो लंबाई होगी वो होगी हमारी बस्ट पॉइंट की हाइट के बराबर। तो हमारी बस्ट पॉइंट की हाइट यहाँ पर 9 इंच है, तो 9 इंच की डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट मार्क करेंगे, वो होगा पॉइंट नंबर 17। पॉइंट नंबर 17 से पॉइंट नंबर 18 जो है वो हाफ बस्ट विड्थ के बराबर है। पॉइंट नंबर 17 से पॉइंट नंबर 18 हाफ बस्ट विड्थ यानी कि 3.5 इंच के बराबर होगा। अब ये जो हमारा पॉइंट नंबर 18 है इसको हम बॉटम लाइन पर लेके आएंगे और हमें पॉइंट नंबर 19 मिलेगा। तो जो ये 18 to 19 है, ये 18 to 19 हमारी फ्रंट डार्ट की लेंथ है, और फ्रंट डार्ट की विड्थ हमें रखनी है 1.5 इंच। तो 19 जो पॉइंट है इससे 0.75 इंच इधर और 0.75 इंच इधर हम दो पॉइंट लेंगे और इनको पॉइंट नंबर 18 से मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमारी फ्रंट की डार्ट की लेंथ और विड्थ दोनों ही मार्क हो जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों हमने बॉडीज ब्लॉक के फ्रंट पार्ट की पूरी ड्राफ्टिंग कर ली है। अब इसके दूसरे हिस्से की तरफ हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें 2 to 20, ये देखिए पॉइंट नंबर 2 से लेकर के पॉइंट नंबर 20 तक एक पॉइंट बनाएंगे हम, 2 से लेकर के 20 तक, जिसकी जो मेज़रमेंट हम लेंगे वो लेंगे हाफ अक्रॉस बैक यानी कि 7 इंच। 7 इंच की डिस्टेंस पर ये एक पॉइंट होगा जो हमारी शोल्डर लाइन को डिनोट करेगा। अब इसको हाफ इंच नीचे लेकर आएंगे 20 से 24 की तरफ, और ये 20 से 24 जो हाफ इंच का शोल्डर स्लोप बनाएगा। अब जो हमारा पॉइंट नंबर 20 है, इस पॉइंट नंबर 20 को हम अपनी चेस्ट लाइन से मिलाएंगे सीधे, तो पॉइंट नंबर 21 हमें मिलेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 24 और 21 का मिडिल पॉइंट है पॉइंट नंबर 25। तो जब हम 24 से 25 और 25 से वापस 6 तक आकर के मिलेंगे तो हमारे बैक आर्म होल का
निर्माण होगा। आधा इंच का हमने शोल्डर स्लोप दिया है और बाकी हमने बैक आर्म होल का निर्माण किया है। नेकलाइन की अगर बात की जाए तो पॉइंट नंबर 2 से पॉइंट नंबर 22 हमारा है, पॉइंट नंबर 2 से पॉइंट नंबर 22 1/12 बस्ट रहेगा, लेकिन क्योंकि बैक पार्ट की जो गहराई होती है नेकलाइन की वो कम होती है, उसको हम लेंगे 3/4 इंच। तो पॉइंट नंबर 2 से 23 तक हम 3/4 इंच लेंगे। 22 को 23 से कर्व शेप में मिलाने पर हमें बैक नेकलाइन प्राप्त होगी। इस प्रकार से नेकलाइन और आर्म होल दोनों का निर्माण हो गया है। वेस्ट पार्ट की तरफ आते हैं तो पॉइंट नंबर 3 से पॉइंट नंबर 26 लेंगे, जो कि फ्रंट के पॉइंट नंबर 1 से 15 के बराबर होगा, यानी कितना होगा 1/4 वेस्ट प्लस 1/4 वेस्ट प्लस 1.5 इंच। 1.5 इंच जो है वो हमारी डार्ट की विड्थ होगी। तो 3 to 26 हमने पॉइंट लेंगे। अब हमारा पॉइंट नंबर 1 से 19 की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पर हम 3 से एक पॉइंट मार्क करेंगे, उस पॉइंट को हम नाम देंगे 27। और जितनी हमारी 18 to 19 यानी फ्रंट की डार्ट की लेंथ है उतनी ही हम बैक की डार्ट की लेंथ बनाएंगे, वो होगी 27 to 28। डार्ट की जो विड्थ है वो 1.5 इंच ही रखेंगे। तो इस प्रकार से हमें बैक पार्ट की डार्ट की पोजीशन प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों, इस प्रकार हमने बेसिक बॉडीज ब्लॉक के फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की ड्राफ्टिंग इस एक स्क्वायर के अंदर की है। यहाँ पर जो लाइन नंबर 0 to 16 है, 0 to 16 है वो हमारी सेंटर फ्रंट लाइन है और ये हमेशा ऑन फोल्ड के अंदर होती है। और वहीं लाइन नंबर 2 to 3 जो है वो हमारी सेंटर बैक लाइन है और ये भी ऑन फोल्ड होती है, ठीक है। तो इस प्रकार, और ये जो पॉइंट लाइन 6 to 7 है ये हमारी साइड सीम को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो 6 to 15 है वो फ्रंट साइड सीम है और 6 to 26 जो है वो बैक की साइड सीम है। नेकलाइन, आर्म होल सबकी मार्किंग हो चुकी है, डार्ट्स की भी मार्किंग हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम बेसिक बॉडीज ब्लॉक की ड्राफ्टिंग पूरी करेंगे। बच्चों, मुझे लगता है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।